सांसद जी, कुछ बयान आपके सामने आए हैं कोरोना को लेकर के और देश में आपदाओं को लेकर के। पहला सवाल हमारा यह है कि आपने कहा है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, अगर बीमारी होती तो इसका इलाज होता, ये आजाद इलाही है, इस बयान पर आप क्या कहेंगे? ये तो मैंने पिछले साल कहा था, इस साल कब कहा? बीमारी तो नहीं, ये तो पिछले साल बकरीद के मौके पर जो बयान दिया था कि हमें नमाज पढ़ने की जाए, तो उस वक्त कहा था मैंने कि भाई जब ये किसी से इसका इलाज सारी दुनिया नहीं कर पा रही तो हमें यही समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के साथ जब तक हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और उसके अपने गुनाहों की खताओं की और हम उससे माफ़ी मांगेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सांसद जी, गुनाह खताओं की बात है तो फिर आज वही चीज़ आ रही है कि भाजपा ने जुल्म किए हैं, गुनाह खता की बात हो रही है, लड़कियों से रेप वाला मामला आ रहा है, क्या है सभी पूरा क्या कहा है आज आपने इसमें? मुझे कुछ पता नहीं इसमें क्या है, इसमें ये ना मैं इससे मुतालिक मैंने कभी कोई इस टाइप का कोई बयान दिया ना मैं कहने के लिए मैं क्यों हूँ इस टाइप का। अब कोई भाई गवर्नमेंट कोई भी हो किसी की भी आ जाए तो गवर्नमेंट जो भी होती है तो गवर्नमेंट की उसकी पॉलिसी चलती है मुल्क के अंदर, तो अगर उसमें कोई आदमी गलत काम करेगा तो आदमी गवर्नमेंट को ही कहता कि भाई गवर्नमेंट इनकी गवर्नमेंट है तो बहरहाल ये इसको रोक क्यों रहे हैं, ये तो उसमें हो सकता है। तो आखिरी बयान कहां से आ गया सांसद जी? सांसद जी, एक बयान आपका सामने आ रहा है जिसमें आपने ये कहा वो गलत है, उसको तोड़ मोड़ का जो कुछ भी कह ले वो बिल्कुल गलत है। वो ये मैंने कभी नहीं कहा कि भाई इसमें यानी गवर्नमेंट करा रही, गवर्नमेंट क्यों कराएगी, लेकिन बीजेपी उसमें हो रहा है तो गलत हो रहा है, बीजेपी जिम्मेदार है। तो बीजेपी का है नहीं, गवर्नमेंट का है, तो अगर कोई काम होगा तो वो उसका उसकी बुराई उनके सर मर जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों पर सख्त एक्शन ले। संसद जी, वैक्सीन कब लगवाएंगे सर आप? वैक्सीन लगवाएंगे? वैक्सीन मैं लगवाऊंगा हर वक्त तैयार। कब लगवाएंगे? सोच रहा हूँ करके मैंने खुद ही अभी इनसे बल्कि कहा था जियाउर रहमान बर से कि भाई उनसे मालूम करके कि हमें टाइम दे दें, यहाँ आके हमारे वैक्सीन लगा दें। सांसद जी, पीछे आपने कहा था कि मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और समाजवादी के कुछ जरूरत महसूस करूंगा तो मैं लगवा लूंगा। समाजवादी के कुछ नेताओं के भी बयान आए थे, अखिलेश यादव का भी बयान आया था, सरकार ने उसी पर लेकर जिस तरह से कोरोना हावी हुआ देश में तो सरकार ने कहा है कि विपक्ष ने जनता को बहकाया है, वैक्सीन नहीं लग पाई इसलिए कोरोना बढ़ा। इसमें आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी की तरफ से ना अखिलेश ने बहकाया ना हमने बहकाया, किसी ने नहीं बहकाया, हम इस सिलसिले में क्यों बहकाएंगे? ये तो मतलब ये एक चीज है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है कि ये वैक्सीन लगवा ली जाए तो इससे अगर कोई आने वाला कोई मर्ज वर्ज है उसमें तो रुक जाएगा। संसद जी, आपकी पार्टी विपक्ष में है यहाँ इस समय, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी विपक्ष में है तो ये आह्वान क्यों नहीं करते? आप वैक्सीन को ठीक बता रहे हैं तो वैक्सीन लगवानी चाहिए, आह्वान क्यों नहीं करते? लाओ, मैं आपको कह दूँ कि भाई लोग वैक्सीन लगवाना है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। सरकार की पॉलिसी के खिलाफ कोरोना बढ़ा है। कई राजनीतिक दौर आपने कई पार्टियों को राजनीतिक दौर देखे हैं, कई सरकारें आपने कई सरकारें देखी है, कई राजनीतिक दौर देखे हैं, ये दौर चल रहा है, इस दौर में उस दौर में क्या उत्तर है और आप इससे कितने मिल रही है? राजनीति में आपने काफी सरकारें देखी है, कई पार्टियों की सरकार देखी है, इस सरकार में और पहले की सरकार में क्या अंतर है? भाई सरकारें आती हैं उनकी पॉलिसी अलग होती है, अब हमारा इनकी पॉलिसी पर ये तो एक वक्त चाहिए पूरा तबसरा करने के लिए क्या कमियाँ हैं, उन कमियों का इजहार कोई गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम उसके दौर में होता है, लोग करते हैं, जनता करती है, तो बहरहाल वो चीज़ उसी से तो कही जाएगी कि भाई इस बुराई को दूर क्यों नहीं करते आप, ये उनकी जिम्मेदारी है, हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने दौर में वो जनता के अंदर ऐसा कोई काम न होने दे जिससे कि वो बुराई फैले। सबसे बड़ी बुराई क्या लग रही है आपको आज के दौर में? सबसे बड़ी बुराई सरकार की क्या लग रही है आपको? भाई ये है कि उसमें इंसाफ नहीं मिला, किस चीज का इंसाफ की बात कर रहे हैं? इस तरह का इंसाफ नहीं मिल पाया, क्या क्या मतलब क्या राजनीति है, क्या इंसाफ नहीं मिला? अरे इंसाफ यही था कि यहाँ पर नफरत का नारा लगाया गया, नफरत के नारे की वजह से बहरहाल लोगों में ये आपस में
जो एक दूसरे से पहले माहौल था एक दूसरे से मोहब्बत करने का, मिलने का, बातचीत करने का, तो बहरहाल उसमें दूरियां पैदा हो गई। ये है रसम।